नगर पंचायत पागबड़ा में पागबड़ा नगर पंचायत प्रशासन द्वारा भले ही गुणवत्ता के साथ कार्यों को करने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। नगर पंचायत पागबड़ा के कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बंदरबांट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर हुए वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी द्वारा सभासद पर पैसे मांगने का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो में सुविधा शुल्क की डिमांड की जा रही है। सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि पहले पैसे दे दो तब अगली किस्त का भुगतान कराया जाएगा। अब देखना यह होगा कि नगर पंचायत प्रशासन इस ओर क्या कदम उठा पाएगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जन कल्याणकारी योजना को ऐसे ही पलीताल लगता रहा तो फिर सरकार की छवि पर कितना असर पड़ेगा, ये भी एक सोचने का विषय है। पागबड़ा के स्थानीय निवासी और आरटीआई कार्यकर्ता फाजिल अंसारी कहते हैं कि उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी गई है और शिकायत की गई है कि इस तरह के बंदरबांट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, जबकि पागबड़ा चेयरमैन द्वारा मामले की निष्पक्षता के साथ जांच कराए जाने की बात कही जा रही है। ईओ संजय कुमार कहते हैं कि वीडियो वायरल पर जांच की जा रही है, जांच के पश्चात जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। नजरिए से सर यही है कि जो भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी योजना चलाई है, ये गरीबों के लिए बहुत बढ़िया मामला है। लेकिन पागबड़ा नगर पंचायत में इस योजना का बंदरबांट करा गया बहुत ज़्यादा। किस तरह के लोगों को लाभ दिया गया है और अब क्या सभासद जो हैं वो क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं? सोशल मीडिया पर सर यही वीडियो चल रहा है जो कि इन लोगों ने स्थानीय जो सभासद हैं अपने वार्ड मेंबर जिनको बोलते हैं उन्होंने अपने अपने लाभार्थियों से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 30-30, 40-40 हज़ार रुपये वसूले गए हैं उनसे और उनको फिर भी तीसरी किस्त का लाभ अभी नहीं मिल पाया है। तो क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से इस तरह के लोगों के लिए? इस तरह के लोगों के लिए मैं यही चाहूँगा जिला मुरादाबाद प्रशासन से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और जो पात्र हैं उनको पीएम आवास दिलवाया जाए, जो जो अपात्र हैं उनसे रिकवरी कराकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। और इस संबंध में मैंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक प्रार्थना पत्र कल रजिस्ट्री के माध्यम से भी भेजा है जो कि मैंने उनसे मांग करी है कि आपसे मैं मिलकर इस पूरे प्रकरण को विस्तार से बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री योजना में कितनी बुरी तरीके से बंदरबांट करा गया है। अच्छा अच्छा, तो ये आपका कौन से वार्ड में है? 12 वार्ड में। अच्छा, आपके जो सभासद है उनका क्या नाम है? शरीफ अहमद। अच्छा, तो क्या आपकी कॉलोनी आई है? तो कितनी किस्त आ गई? 2 किस्त आ गई। अच्छा, एक किस्त बाकी रह गई अभी आपकी? एक रह गई। और कुछ पैसे उसों का मामला क्या? 25,000 एक दिए वो, 10,000 एक दिए। हाँ, 25,000 एक दिए। 35,000 रुपये पहुँच गए तुम्हारे सभासद पे? 35,000 पहुँच गए। अच्छा, और अभी तीसरी किस्त आई नहीं है? तीसरी आई नहीं है। और अभी कुछ पता नहीं कितने और कितने पैसे और मांगे? हाँ, तो तीसरी किस्त को क्या बोल रहे हैं? अभी कोई पता नहीं होगा। अच्छा अच्छा, फोटो खींचने का भी कुछ ऐसे के फोटो के नाम पे कुछ पैसे लिए जाते हैं? हाँ, पैसे लिए जा रहे हैं। उसमें कितने पैसे मांगते हैं? 1500 रुपये। 1500 रुपये? हाँ।